हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 27 अप्रैल 2019 है और वार शनिवार। मेरे प्यारे साथियों, 27 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के साथ यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है और मैं वहाँ पर आपका एक एजुकेटर हूँ और इसके साथ साथ मैं एक मेंटेनेंस इंजीनियर, मोटिवेटर और एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें और साथ ही साथ नए नए जो आपके कोर्सेस हैं उनको पढ़ने का मजा लेते रहें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग वुमेन एज जवान्स बाई स्टार्टिंग दियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। They were being inducted only as officers, and this is the first time they would be taken in as soldiers. भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस के कोर में भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करके महिलाओं को जवानों के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। साथियों, इस न्यूज का सारांश यह है कि पहली बार भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, उसमें महिलाओं को सैनिकों के रूप में लिया जाएगा। अब तक जो था केवल अधिकारियों के रूप में ही महिलाओं की भर्ती होती थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं की भर्ती डायरेक्ट ली जाएगी सैनिकों के रूप में, यानी कि जवानों के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। डाउन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट स्क्रिल अलमेडिया फ्रॉम पाकिस्तान हैज वॉन द IPI इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड इन 2019। He won this award for his critical and tenacious coverage of the civil military lesson in Pakistan. पाकिस्तान के डॉन एडिटर और कॉलमनिस्ट सिरिल अल्मेडा ने 2019 में IPI इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड जीता है। उन्होंने पाकिस्तान में नागरिक सैन्य संबंधों के महत्वपूर्ण और मजबूत कवरेज के लिए यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, इथियार्ड एयरवेज UAE बेस्ड फ्लैग कैरियर हैज बिकम द फर्स्ट मेजर एयरलाइन इन द गल्फ रीजन टू ऑपरेट ए फ्लाइट विदाउट एनी सिंगल यूज प्लास्टिक ऑन बोर्ड। द ऑब्जेक्टिव इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन। इथियार्ड एयरवेज हैज प्लीज्ड टू रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक यूजेज बाई 80% अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बाय द एंड ऑफ 2022। UAE आधारित ध्वजवाहक एतिहाद एयरवेज खाड़ी क्षेत्र की पहली बड़ी एयरलाइन बन गई है जिसने बिना किसी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के साथ उड़ान भरने का कार्य किया है। उद्देश्य प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एतिहाद एयरवेज ने 2022 के अंत तक पूरे संगठन में एकल उपयोग प्लास्टिक उपयोग को 80% तक कम करने का वादा किया है। नेक्स्ट, जूलॉजिस्ट एट ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन हैव डिस्कवर्ड टू न्यू बर्ड स्पेसीज नेम्ड एज द वाकाटोबी व्हाइट आई एंड द वांगी वांगी व्हाइट आई इन द वाकाटोबी आर्चिपिलियो ऑफ सुलवेई सी इंडोनेशिया। डिटेल्स ऑफ द डिस्कवरी वर पब्लिश्ड इन द जूलॉजिकल जर्नल ऑफ द लिनियन सोसाइटी। द वाकाटोबी व्हाइट आई आल्सो कॉल्ड एज जोस्ट्रॉप्स क्लोरिस फ्लेविसियम्स। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के जूलॉजिस्ट ने इंडोनेशिया के सुलावेसी के वाकाटोबी आर्किपेलागो में वाकाटोबी व्हाइट आई और वंगी वंगी वाइंग आई के नाम से दो नई पक्षी प्रजातियों की खोज की है। उनकी खोज का विवरण लिनियन सोसाइटी के जूलॉजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया था। वाकाटोबी व्हाइट आई को जोस्ट रॉप्स क्लोरिस फ्लै विसिम भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति की। द
जनरल जो कि रिटायर्ड दलबीर सिंह सुहाग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सेचेल्स. ही विल सून बी टेकिंग ओवर द न्यू पोजिशन. जनरल सुहाग वाज द 26th आर्मी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जुलाई 2014 टू दिसंबर 2016. जनरल जो कि सेवानिवृत्त है दलबीर सिंह सुहाग को सेशेल्स गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है. वह जल्द ही नया पद संभालेंगे. जनरल सुहाग जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 तक भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख थे. नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार की. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन कार लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू एनकरेज कस्टमर्स टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. द न्यू स्कीम ग्रीन कार लोन विल ऑफर द लोन एट 20 बेसिस पॉइंट्स लोअर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन द एग्जिस्टिंग कार लोन स्कीम्स. भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत का पहला ग्रीन कार लोन इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है. नई योजना ग्रीन कार लोन मौजूदा कार ऋण योजनाओं पर ब्याज दर की तुलना में 20 आधार अंक कम पर ऋण प्रदान करेगी. नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की. द प्रेस्टिजियस मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2019 वाज अवार्डेड टू नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर मधुकर भंडारकर, पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान एंड डांसिंग दिवा हेलन. द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे. इट एम्स टू एनकरेज लीजेंड्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ म्यूजिक ड्रामा आर्ट एंड सोशल वर्क. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, लोकप्रिय पटकथा लेखक सलीम खान और प्रसिद्ध नृत्यकार हेलन को प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया. यह कार्यक्रम मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे द्वारा आयोजित किया गया था. इसका उद्देश्य संगीत, नाटक, कला और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र से किंवदंतियों को प्रोत्साहित करना है. नेक्स्ट, डॉक्टर बेनी एंटोनी हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019 इन द कैटेगरी ऑफ टॉप इंडिविजुअल फॉर पेटेंट एंड कमर्शियलाइजेशन. डॉक्टर एंटोनी हैज ओवर 80 इंटरनेशनल पेटेंट टू हिज क्रेडिट. डॉक्टर बेनी एंटोनी को शीर्ष व्यक्तिगत और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष बौद्धिक श्रेणी में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है. डॉक्टर एंटनी के पास 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट है. नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज महत्वपूर्ण दिवस की. द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इन ऑर्डर टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप अगेंस्ट डिजीज. The WII 2019 observed from 24th April to 30 April, carrying the theme Protected Together Vaccine Work. It was observed for the very first time in 2012. हर वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि बीमारी के खिलाफ सभी आयु वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके. WIW 2019 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा. इसके लिए विषय है प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वर्क है. यह पहली बार 2012 में मनाया गया था. नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज और खेल समाचार की. इंडिया वॉन गोल्ड ईच इन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम एंड 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट इन द ISSF वर्ल्ड कप इन बीजिंग. शूटर्स मनु भाकर एंड सौरभ चौधरी टुक द टॉप स्पॉट इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट वाइल अंजुम मोदगिल एंड दिव्यांश सिंह पवार वन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट. भारत ने बीजिंग में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है. निशानेबाजों मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि अंजुम मोदगिल और दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है.
और बात करते हैं लास्ट न्यूज ऑप्टियोरिज निधन की, तो वेटरन लेडी माउंटेनियर रमा सेन गुप्ता पॉल पास्ट अवे एट द एज ऑफ 66 ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। सी लेड द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑल वुमेन एक्सपेडिशन टू केदारनाथ डोम इन गढ़वाल हिमालय, विच वाज ऑर्गेनाइज बाई हिमालयन एसोसिएशन टू कमोमरेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन इन 1975। वयोवृद्ध महिला पर्वतारोही रमा सेन गुप्ता पॉल का 66 वर्ष की आयु में हृदयाघात के कारण निधन हो गया है। उन्होंने गढ़वाल हिमालय में केदारनाथ डोम के लिए पहले सफल ऑल वीमेन एक्सपीडिशन का नेतृत्व किया है, जिसे 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में हिमालयन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यूवी कंपटीशन, और साथ ही साथ हमें अकेडमी इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।